अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। मैम। वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। यस मैम, आप अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं? आप कैसी यस हैं मैम। मैम? कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह का शुक्र है। और बच्चों, लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में आप कोई प्रॉब्लम है, कोई उसमें क्यूरी, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। नो मैम। अच्छा बच्चों, आप लोगों की मुझे ईमेल सबकी मिल गई है, उसकी जिन लोगों ने वाइवा का रीटेक देना है। ठीक है, अभी डेट मैंने खुद अनाउंस नहीं की क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि हमारी असेसमेंट चल रही है। ठीक है, डेट्स वाई मैंने अभी तक कोई फाइनल डेट नहीं बताया कि मैं किस डेट और किस डे पे लूंगी। क्लियर? और काफी स्टूडेंट्स मुझे ईमेल कर रहे हैं कि आप हमें डेट बता दें। तो अब आप लोग नेक्स्ट वीक में फ्री हैं? कोई आप लोग की असेसमेंट तो नहीं है, तो प्लीज टॉल्ड मी दैट कि मैं आप लोगों को कोई डे बता सकूं। मैम ट्यूसडे को फार्मा का है कुछ। तो बेटा, अगर मैम हम आप थर्सडे को, नेक्स्ट सैटरडे कर लें, मतलब कि एक तो अब आ रहा है ना सैटरडे, आप नेक्स्ट सैटरडे कर लें। बेटा नहीं, सैटरडे को मेरी क्लासेस होती हैं और हम नेक्स्ट थर्सडे कर लेते हैं। ठीक यस मैम, ठीक है, है ना, कि ओके उसमें मैम, क्लास यस। में पहले जो होगा ये 2 बजे में आप लोगों का, जिन लोगों ने मुझे ईमेल की है, मैं सबको सेंड कर दूंगी लिंक। पर जस्ट आप सबने ये वरीड, ये टेंशन नहीं लेने की, हमें को लिंक सेंड कर दिया। जस्ट वो मैं फिर वेटिंग रूम उसमें ऑन कर दूंगी, जिन लोगों का जस्ट वाइवा होगा वो ही उसमें उनको मैं उसमें, ठीक है, ऐड करती जाऊंगी। ठीक है, तो आप लोगों को सबको मैं लिंक तो सेंड कर दूंगी, लेकिन जिनका वाइवा है बस वही मीटिंग ज्वाइन करेंगे, और आप लोगों का वाइवा मैं 2 बजे लूंगी। ठीक है, बाकी अगर जी टाइम में कुछ चेंज वगैरह मैम, होगा तो वो कितने मैं आप बच्चे हैं, लोगों मतलब कि को, कितने बच्चे हैं तकरीबन वाइवा वाले? काफी है अभी तो। और ये मैं आप वाइवा वाले स्टूडेंट्स को पहले बता चुकी हुई है, जो वाइवा दे रहे हैं उनके वाइवा के मार्क्स ही अपलोड होंगे। ठीक है, क्लियर है? यस मैम, और ठीक है, यस तो मैम, अब नेक्स्ट थर्सडे को मैं आप लोगों का जो वाइवा है वो लूंगी, और उसका टाइम मीटिंग भी लिंक सेंड कर दूंगी, टाइम भी आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है बच्चों? मैम यस आपका भी मैम। ऑल, आप मार्क्स ऑल और नन उस रिस्पॉन्स पे देंगी कि अगर पूरा आंसर देंगे तभी मार्क्स मिलेंगे वरना जीरो? नहीं बेटा, मैं ऐसे नहीं देती हूँ। फॉर थैंक एग्जाम्पल, यू अगर मैं मैम। 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछती हूँ, तो अगर मुझे प्रॉपर पूरा अच्छा आंसर मिल गया तो पूरे 5 मिल जाते हैं। अगर उसका आंसर पूरा नहीं तो कम आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, इस तरह से होता है। यस कि अगर मैम, हम ये थैंक यू नहीं, मैम। कॉन्सेप्चुअल नहीं। आंसर तो दे सकते हैं ना, लाइक मतलब कि आपको, आप जो पूछ रही हो अगर हम आपको वो पूरा सही बता दें अपनी वर्डिंग में। वर्डिंग में मीन्स कि आपका आंसर कवर हो रहा है तो मुझे तो कोई इश्यू नहीं है, आंसर कवर होना चाहिए। कुछ लोग बच्चे ऐसे स्टोरीज स्टार्ट कर देते हैं कि आंसर बैग पे कहीं रह जाता है और बाकी स्टोरीज, और फिर ये तो नहीं ना कि इसमें फिर मार्क्स कट जाते हैं। क्योंकि आप इतना लंबा, बेसिकली वाइवा का मकसद तो यही होता है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा आप डायरेक्ट उसका जो आंसर है वो करें। अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो स्टोरी सुनाना शुरू कर देते हैं। अब उस स्टोरी के अंदर कहीं कोई एक पॉइंट जो होता है, उस कोई एक लाइन उसके आंसर की आ जाती है, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक कवर हो जाता है, उसमें थोड़ा सा आंसर कवर होता है। और बाद में फिर वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम, मैंने तो आपको इतना सुनाया था, आपने मुझे मार्क्स कम दिए। तो बेटा वो क्या होता है कि बाकी तो सब स्टोरीज होती हैं, जो टॉपिक उसको आप लोग कवर नहीं करते, और तो बाद में कहते हैं कि फिर मार्क्स नहीं मिला। तो डेट्स वाई जो बेसिकली एग्जैक्ट क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसके जो आंसर है वही आप लोगों ने बताने हैं। कितने 6 लेक्चर्स है ना आप लोगों के वाइवा उसमें, क्विज में, तो उन यस 6 में से ही मैम, आप लोगों का वाइवा होगा। ठीक है, यस मैम। मैम और और उसके एक बाद एक बच्चे से कितने क्वेश्चंस होंगे, मतलब कि कितने तकरीबन होंगे वाइवा के लिए क्वेश्चंस? कितने लूंगी वो भी मैं बनाऊंगी उसके अकॉर्डिंग। चलें ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक बेटा, इसके बाद फिर मैं आप लोगों से कोई कंप्लेन नहीं सुनूंगी कोई भी, कि आप लोग कहेंगे जी हमारा ये अच्छा नहीं हुआ, मैम ने ये कर दिया है, मैम ने ऐसे कर दिया है। और आई डोंट नो कि व्हाई आर यू पीपल सो हाइपर। ठीक है, कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हाइपर हैं। आई डोंट नो व्हाई आर यू रिएक्ट लाइक दिस। ठीक है, मैम वो लास्ट टाइम तो आपको बताया ना, जिस टाइम हम पढ़ते भी हैं तो हो जाता है, पर बच्चे की उस टाइम कैपेबिलिटी भी नहीं होती कि वो, मतलब कि हो जाता है अक्सर कभार। तो अब बेटा वाइवा भी तो देखने के लिए हम इनकरेज हो ही रहे हैं आगे कि हमें सुना रहे हैं आपको एक चीज। बेटा, आप छोड़ इस बातों को, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है,
आप लोग को अभी जो मैंने ईमेल भी की थी वैक्सीन के लिए, ठीक है, तो बेसिकली बच्चों वो ईमेल मैंने आप लोगों की उस पे की है कि आप लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए की है कि ताकि आप लोग थोड़ा सा इंकरेज कर सकूं कि आप लोग वैक्सीन करवाएं। इसमें मेरा कोई उसमें बेनिफिट नहीं है, ठीक है, मैंने तो अपनी करवा ली है, लेकिन अगर आप लोग करवाएंगे अपनी, और अगर आप लोगों से सब कह रहे हैं कि आप लोग सेकेंड डोज भी लें और लाजमी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप लोग क्यों नहीं करवा रहे हैं? ठीक है, क्योंकि जिस मुझे मैं पर्सनली जो है कोविड से गुजर चुकी हूँ, और मुझे पता है कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, कितना इसकी पेन कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आपके घर में पेरेंट्स हैं, आपके बुजुर्ग हैं, आउटली कंफर्म जी, ठीक है, तो आप तो क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोगों ने यहाँ पे आना है यूनिवर्सिटी में, इतने लोगों से मिलना है, ठीक है, आपके 100 या 50 पर 80% जो चांस है ना कि आपको इन्फेक्शन यहाँ से कैरी कर सकते हो। क्लियर, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, आज का जो हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वो इम्यूनिटी के ऊपर है। आज हम एक न्यू टॉपिक अपना डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को पता है कि प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके, हमने स्टार्ट किया था उसका जनरल वायरोलॉजी से, फिर हमने कुछ बैक्टीरियाज को डिस्कस किया, फिर हम बैक्टीरियोफेज पे आ गए थे, देन हमने बात की थी कुछ लेबोरेटरी डायग्नोसिस की, कि कौन कौन से लेबोरेटरी डायग्नोसिस टेक्निक से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से फिर हमने हेपेटाइटिस जो वायरसेस हैं उनकी बात की थी। आज हम जो है एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर जा रहे हैं सब्जेक्ट में, जो कि है इम्यून सिस्टम के ऊपर। कि हमने पीछे पढ़ा किया कि आप कैसे, कि कोई वायरस आ गया है, कोई बैक्टीरिया आ गया, तो कैसे, किस तरह से, हाउ हाउ इज अवर बॉडी टू ओवरकम इट। ठीक है, कि हमारी बॉडी कैसे उसको ओवरकम करती है, कैसे उसको कवर अप करती है। अच्छा बच्चों, आप में से जो ऑन कैंपस जिन स्टूडेंट्स ने कहा है कि हमने क्लासेस लेनी है, आप उनकी वैक्सीन हो गई हुई है, सेकेंड डोज ले ली उन सब ने? यस मैम। जिन बच्चों ने सेकेंड डोज भी ले ली है और उनको 1 वीक हो गया और वो ऑन कैंपस क्लास लेना चाहते हैं, तो प्लीज वो अपना सर्टिफिकेट मुझे ईमेल करें। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी, जो ऑन कैंपस आना चाहते हैं और जिनको सर्टिफिकेट है, और बट सेकेंड डोज आफ्टर 1 वीक, कि सेकेंड डोज लगने के 1 वीक के बाद, ठीक है, तो वो मुझे अपना सर्टिफिकेट जो है वो ईमेल करें, देन वो क्लास ऑन कैंपस ले सकते हैं। जी बेटा, मैम, मेड्स अगर हमारे होते हैं ऑन कैंपस, तो अभी तो जिस तरह मेल आने के बाद काफी लोगों ने वैक्सीनेशन शुरू की है, तो हमारी सेकेंड डोज तो कंप्लीट नहीं होगी मेड्स तक। ये अब यूनिवर्सिटी देखें, अभी इसी पे डिस्कशन हो रही है अभी, कि एक बहुत से स्टूडेंट्स ने भी करवाई है, तो अब देखें क्या नोटिफिकेशन आता है। इसमें इस बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, ये तो जो एक्सक्यूज मी नोटिफिकेशन मैम, आएगा। जी, और एक और चीज हो रही है कि जैसे अभी ये सिर्फ SHS के लिए है उन्होंने किया, बाकी सब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो तो वैक्सीन के बगैर भी क्लासेस ले रहे हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये भी आता है ना कि ये सिर्फ SHS से क्यों इस तरह की मतलब कि एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि सिर्फ SHS के लिए ये रूल अलग बनाया जाता है, बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए अलग होता है। बेटा सबसे पहले तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके लिए रूल बनाए, मैम हम तो आप खैर लोग के वैक्सीनेशन हो गई है, लेकिन फिर भी आप लोग के प्रोबेबली सिक्योरिटी के लिए रूल बना है। ठीक है, आप लोग एक मेडिकल के स्टूडेंट हैं, इससे बेहतर आप लोगों को आइडिया नहीं होगा तो और किसको आइडिया होगा कि ये क्या चीज है और इस वैक्सीन की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। और जो लोग आ रहे हैं और विदाउट वैक्सीन आ रहे हैं, तो वो अपने लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए भी साथ में कुछ ना कुछ बुरा कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी मिल रही है और आपको डिपार्टमेंट की तरफ से इतना आपको दिया जा रहा है, ठीक है, आप लोग करवाएं, वैक्सीन करवाएं, तो वी आर इट्स अ गुड। ठीक है, बाकी मिनट्स का जो नोटिफिकेशन आएगा वो अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी होगा वो फिर बाद में देखेंगे। बाकी आप सब में जिसने सेकेंड डोज ले ली है वो ऑन कैंपस ले सकते हैं, बट आफ्टर 1 वीक। जी मैंने क्लास में लेट ज्वाइन की थी, तो ईमेल करनी है वाइवा वालों ने आपको, या क्लास में वैसे ही आप सबको लिंक भेजेंगे जिसने देना है वो आ जाए? बेटा, मैंने आज का टाइम दिया था, आज 10 जून तक मैंने कहा था कि जिसने वाइवा देना है मुझे बता दे। ठीक है, आज लास्ट डेट थी। ठीक है, अब मुझे आज तक जिसकी ईमेल्स आ गई हैं उन ओके मैम, मैं ठीक है, तो उन सबको पता है कि जिस जिसने ईमेल की है, मैं सब लिंक तो सबको सेंड कर दूंगी, तो उसमें से आप जो जस्ट इन लोगों की मेरे पास लिस्ट है, मैं उन लोगों को उसमें फिर ऐड करती जाऊंगी।
ठीक है, बाकी सब लिंक ज्वाइन ना करें, जिन्होंने वाइवा देना है वही ज्वाइन करें, क्योंकि सबको पता है किस किस ने देना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों लेक्चर। आज हम बात करने जा रहे हैं इम्यूनिटी की, कि इम्यूनिटी क्या है बेसिकली। सबसे पहले जो हमारे पास, आपको पता है कि इम्यूनिटी दो तरह की होती है, या तो वो इननेट होती है या फिर वो क्या होती है, अडेप्टिव होती है। ठीक है, फर्स्ट वन जो है वो हम डिस्कस करते हैं इननेट को, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स कौन कौन से हैं, वो कहाँ कहाँ से आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो बोन मैरो होती है उसमें स्टेम सेल बनता है। ठीक है, वो स्टेम सेल जो होता है वो उसको फर्दर टू लाइन्स में डिफ्रेंशिएट करता है, लिम्फॉइड स्टेम सेल्स में और माइलॉइड प्रोजेनिटर में। ठीक है, अब जो लिम्फॉइड वाले हैं, एज इसके नेम से इंडिकेट है, इसने क्या बनाना, लिम्फोसाइट्स बनाना है। ये लिम्फोसाइट्स कौन कौन से बनाएगा, वो बी सेल प्रोजेनिटर सेल बनाएगा, वो टी सेल प्रोजेनिटर बनाएगा और वो एनके सेल बनाएगा। देन ये बी सेल फर्दर डिवाइड कर जाता है प्लाज्मा सेल्स में और मेमरी सेल्स में, और प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज बना देते हैं। टी सेल जो होते हैं वो हेल्पर टी सेल टीएच में और टीसी साइटोटॉक्सिक सेल में खुद को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देन जो माइलॉइड वाले होते हैं, ये सब ग्रेन्यूलोसाइट्स होते हैं, मींस कि इन सब में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें न्यूट्रोफिल है, इओसिनोफिल है, बेसो है, मास्ट है, और जो मोनोसाइट्स जो होते हैं ये फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं डेंड्रिटिक सेल्स में और मैक्रोफेजेस में। ठीक है, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं जो एक मेजर रोल प्ले करते हैं इम्यून सिस्टम के फंक्शन में। अब सबसे पहले बच्चों हमारे पास इननेट इम्यूनिटी आती है, इननेट मींस जो बाय बर्थ। ठीक है, जो बाय बर्थ होती है तो उसमें सबसे पहले से कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, देन इसे कंपोनेंट्स आ जाते हैं। कंपोनेंट्स में ऑब्वियसली वो चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी में अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे इम्यून कंपोनेंट्स हैं कि जो क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे एपिथेलियल बैरियर्स हैं, इसमें सेलुलर मैकेनिज्म्स हैं, ह्यूमरल मैकेनिज्म्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर इम्यूनेट इम्यूनिटी जो होती है वो हमें एट द एंड हेल्प भी करती है कि हम अडेप्टिव में इसको स्टिमुलेट कर दें। अब इसके इननेट में क्या काम होता है इननेट और अडेप्टिव में, लेकिन डिपेंड करता है टाइम आफ्टर इन्फेक्शन कि जिस तरह अगर एक इन्फेक्शन स्टार्ट होता है तो उसमें इननेट इम्यूनिटी अपना रोल प्ले करती है, और जब वो कुछ डेज या उसको वीक्स होते हैं तो उसमें अडेप्टिव आ जाती है। ठीक है, जैसे ये माइक्रोब आया है, ठीक है, इननेट इम्यूनिटी में सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल हम उस माइक्रोब को इनहेल कर रहे हैं तो हम, आपको पता है कि हमारी जो नोज है उसमें हेयर्स हैं। ठीक है, तो वो भी क्या करते हैं, बैरियर है, तो वो भी वहाँ पे बैरियर होंगे। या एपिथेलियल सेल्स हैं तो ये एपिथेलियल बैरियर्स इसमें आ जाते हैं। देन उसके बाद क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर वहाँ से वो इनहेल हमने कर लिया है, वो हमारी उसमें लेरिंग्स में आ गया है, तो उसके बाद जी वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जो फैगोसाइट्स हैं, जो मैक्रोफेजेस हैं, वो क्या करते हैं, उसको इनगल्फ भी कर सकते हैं। देन कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं जो कि इन्फ्लेमेटरी, जो कि हेल्प करती हैं इन्फेक्शन को उसमें किल करने में, तो वो भी एक्टिव हो सकती हैं। देन एनके सेल्स होते हैं, वो भी एक्टिव हो सकते हैं। बट अगर ये इन्फेक्शन प्रोसीड कर जाता है डेज तक, उसके बाद क्या होता है कि उसमें बी लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं, एंटीबॉडीज बन जाती हैं। टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फर्दर इफेक्टर टी सेल्स के अंदर खुद को क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, इननेट इम्यूनिटी की जो मैकेनिज्म है, एक तो ये कि फाइलोजेनेटिकली ऑल्डर होते हैं, कि जिस तरह वही चीज़ें कि जो को हमें जो कि हमारी बॉडी के अंदर हैं, जिन्होंने कॉन्टैक्ट करना है पैथोजेंस के साथ, और वो उनका जो कॉन्टैक्ट होता है इमीडिएट रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब सबसे पहले क्या होगा कि एक चीज़ अगर उसका इसमें मेमोरी नहीं होती है, इसीलिए अब आपको कोविड की हम सेकेंड डोज क्यों कह रहे हैं कि बच्चों फर्स्ट डोज जो होगी उसमें प्राइमरी रिस्पॉन्स है कि जो एंटीजन है फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में आ रही है, तो फर्स्ट टाइम कोई भी जब इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो IgM होती हैं, और वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, ना ही उनकी कोई मेमोरी सेल्स बनते हैं। वही जब हम सेकेंड डोज देते हैं तो उसमें उसके अगेंस्ट जो रिएक्शन है वो इनहेंस होता है, और उसमें IgG एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो कि लॉन्ग होती हैं, उनकी लॉन्ग लाइफ के लिए होती हैं। ठीक है, तो इननेट इम्यूनिटी जो होती है उसमें अगर बार बार एक चीज़ का रिपीटेड कॉन्टैक्ट भी हो रहा है पैथोजन के साथ, उसमें कोई मेमोरी नहीं होती है, ये इन्फेक्शियस एजेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट ये कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। ठीक है, इसे कंपोनेंट सबसे पहले बच्चों हमारे पास एपिथेलियल बैरियर्स आते हैं। क्या आते हैं हमारे पास, एपिथेलियल बैरियर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो वो एपिथेलियल बैरियर्स में सबसे पहले क्या, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, आपको पता है कि
हमारी स्किन जो है वो एक बहुत बड़ा बैरियर है इसके, इसको बाज जो स्वेट ग्लैंड हैं, जो हमारे सिक्रीशंस होती हैं, म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स हैं, वो भी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। देन इसके सेल्स आ जाते हैं, इसमें फैगोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स आते हैं, फैगोसाइट्स में एनके सेल्स आ जाते हैं, ह्यूमरल कंपोनेंट्स में वो आती हैं जो कुछ ऐसी प्रोटीन्स या सिक्रीशंस जो बॉडी में हेल्प करती हैं इसको कम्पैक्ट करने के लिए इन्फेक्शन को, जिसमें कम्प्लीमेंट या साइटोकाइंस हैं, ये ह्यूमरल कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, क्लियर है। अब किस तरह से इनेट इम्यूनिटी में ये एपिथेलिया का फंक्शन होता है, सबसे पहले ये फिजिकल बैरियर है, ये एपिथेलियल सेल्स हैं, कोई पैथोजन आएगा इसको क्या करेंगे, उसको लिए बैरियर क्रिएट करते हैं। अब क्या होता है कि वहां पे कुछ केमिकल बैरियर्स, कुछ वैसे वहां पे ऐसे एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स या कुछ साइटोकाइंस रिलीज होते हैं कि जो इस जो यहाँ पे जो पैथोजन आया उसको वो क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं या उसको फंक्शन लेस कर देते हैं, ये केमिकल बैरियर्स हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वहाँ पे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, जिसको हम इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो भी एक्टिव हो सकते हैं और वो भी इसी के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो एपिथेलिया का जो यही फंक्शन है कि वो फिजिकल बैरियर्स हैं, वो केमिकल भी है, और वहाँ पे जो इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स हैं उनको भी एक्टिव कर सकते हैं। और सेकंड ये कि हमारी, आपको पता है कि हमारी गट लाइन्स हैं, वहाँ पे नॉर्मल बैक्टीरिया जो होते हैं वो एज अ फ्लोरा काम, नॉर्मल फ्लोरा जो होते हैं वो भी हेल्प करते हैं इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद बच्चों हमारे पास कौन कौन सी इनेट इम्यूनिटी के सेल्स हैं और उनके क्या फंक्शन होते हैं, सेल टाइप और उसका फंक्शन। जिस तरह मोनोसाइट मैक्रोफेज या तो ये फेगोसाइट प्रोसेस इन्फ्लेमेशन में हेल्प करते हैं, टी सेल को एक्टिवेट करते हैं और टिश्यू रिपेयर में हेल्प कर देते हैं कि टिश्यू डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करना है। न्यूट्रोफिल्स हैं, ये भी फेगोसाइट प्रोसेस और इन्फ्लेमेशन में हेल्प करते हैं। एनके सेल्स जो होते हैं वो ट्यूमर सेल्स, जो कैंसर सेल्स होते हैं या जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनकी डायरेक्ट किलिंग कर देते हैं। डेंड्रिटिक सेल्स जो होते हैं ये फेगोसाइट प्रोसेस भी करते हैं, और जो नाइव टी सेल्स हैं जो कि फ्रेश टी सेल्स हैं जिनको पहले इनकाउंटर नहीं हुआ पैथोजन के साथ, उनको ये एक्टिवेट कर सकते हैं। मास्ट सेल्स जो होते हैं ये इंफ्लेमेशन में हेल्प करते हैं, और इयोसिनोफिल्स जो होते हैं ये पैरासिटिक इन्फेक्शन या कोई एलर्जी इन्फेक्शन होता है तो उसमें ये डिफेंस सिर्फ जो होता है रिएक्शन जो होता है वो शो करते हैं। ठीक है, तो ये सेल टाइप्स हैं इनेट इम्यूनिटी के, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, एनके सेल, डेंड्रिटिक सेल्स, मास्ट सेल्स और इओसिनोफिल्स। जी क्लास, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को है, कोई इश्यू? नो मैम, नो मैम। इसके बाद बच्चों हमने यही पीछे डिस्कस किया है कि यहाँ पे सबसे पहले ये इंगल्फमेंट होती है, ये फेगोसाइट प्रोसेस होती है, मैक्रोफेजेस हैं, डेंड्रिटिक सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, तो वो फेगोसाइट्स हैं, वो क्या करते हैं, फेगोसाइट प्रोसेस करते हैं। तो कैसे इनका इवेंट्स इसमें होते हैं, सबसे पहले ये है कि वहाँ पे पैथोजन की क्या होती है, एंट्री होती है। उसके बाद वो पैथोजन जो वहाँ पे एंटर होते हैं ऑब्वियसली उसको जो सेल्स हैं मैक्रोफेजेस या डेंड्रिटिक सेल्स उसको रिकोगनाइज कर लेते हैं कि उनको पता चल जाता है कि ये नॉन सेल्फ है, ये सेल्फ नहीं है, कि हमारी बॉडी की यहाँ चीज़ नहीं है, एक जो बाहर से कोई ना कोई पैथोजन आया है। वो किस तरह से उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, एक तो ये कि मोलेकुलर पैटर्न्स के जो उस पैथोजन के ऊपर, जो आपने हमने पीछे पढ़ लिया सारा कुछ, के इनवेलप प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, या फिर स्पाइक लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, तो उनके जो मोलेकुलर पैटर्न्स या रिसेप्टर्स होते हैं वो उनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ये चीजें, ये है मोलेकुलर पैटर्न्स के, लाइपोप्रोटीन्स हो सकती है, लाइपोपॉलीसेक्राइड्स हो सकते हैं, या फिर फ्लैजेलिन है जो कि आउटसाइड किसी भी बैक्टीरियम या वायरस की जो प्रोटीन्स होती हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हेल्प, इनका काम क्या होता है मोलेकुलर पैटर्न्स के, ये कि इनको मैक्रोफेजेस जेनेटिक सेल्स रिकॉग्नाइज करते हैं और ये पैटर्न्स ह्यूमन सेल्स के ऊपर प्रेजेंट नहीं होते, दैट्स व्हाई इजीली हमारी बॉडी के सेल्स इनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे बैक्टीरियल सेल वाल है उसमें लाइपोपॉलीसेक्राइड होगा, पेप्टाइडोग्लाइकेन और फ्लैजेलिन होगी, अगर उसका न्यूक्लिक एसिड देखें तो उसमें आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है, सीपीजी जो हो सकते हैं, साइटोसिन गवानीन के डायन्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी क्या है, एग्जांपल्स हैं किसके, मोलेकुलर पैटर्न्स की। इसके बाद थर्ड जो है बच्चों वो हमारे पास क्या है, फेगोसाइटोसिस और किलिंग। जब उसने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया उस चीज को, तो ऑब्वियसली वो मैक्रोपैथोजन की क्या करें, किलिंग करेंगे। अब वो किस तरह से करते हैं, एक तो ये भी हो सकता है कि वहां पे जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हैं वो रिलीज हो जाए, ऑक्सीजन के रेडिकल्स वहां पे बन जाए, नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाए, ये लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं वो रिलीज हो जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या करती हैं, फेगोसाइटोसिस कर सकती हैं। जिसमें फॉर एग्जांपल अगर हम
इस फिगर में देखते हैं तो ये क्या है कि जो माइक्रोब जो है ठीक है, जो माइक्रोब्स है वो क्या कर रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं फेगोसाइट रिसेप्टर के साथ। जैसे हमने फॉर एग्जांपल बात की कि ये आपके पास हमारे पास क्या है, लाइजोसोम है। अब क्या होगा कि सरफेस के जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ जो होगा वो माइक्रोब आए क्या कर रहा है, बाइंड। ये हमारे पास माइक्रोब है, ये रिसेप्टर्स है, ये उसके साथ क्या कर दिया, उसने बाइंड कर लिया। ठीक है, अब जब उसके वो बाइंडिंग होगी है तो उसके बाद वो फेगोसाइट मेम्ब्रेन जो होगी वो जिप अप हो जाएगी राउंड द माइक्रोब। तो फेगोसाइट की जो मेम्ब्रेन है वो जिप आउट के वो इंगल्फ कर लेगा उसको, ये ऑप्शनाइज कर लेगा। तो इस तरह से वो उसके अगेंस्ट अगेंस्ट क्या कर देगा, पूरा वैक्यूल बना देगा। ठीक है, अब माइक्रोब जो है उसको इंजेस्ट कर लिया किसने, फेगोसोम में, ये चीज के फेगोसोम के पूरी की पूरी मेम्ब्रेन जो है उसको जिप कर लिया, उसको सर्कल कर लिया है अराउंड द माइक्रोब। तो इसको क्या कहेंगे हम, फेगोसोम कहेंगे। हमारी जो वॉल्स हैं सेल वहाँ पे क्या होगा, लाइजोसोम होगा, उसमें क्या होते हैं एंजाइम होते हैं। इस यहाँ पे क्या होगा, जो फेगोसोम होगा उसकी फ्यूजन होगी साथ लाइजोसोम के साथ। जब लाइजोसोम के साथ उसकी फ्यूजन होगी तो फेगोसाइट वहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, वो एक्टिव हो जाएगा। जब फ्यूजन होगी तो क्या बनता है, फेगोलाइजोसोम बनता है। और जब वो एक्टिव होता है तो वहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड, रिएक्टिव ऑक्सीजन, रेडिकल्स, वो सब चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, और जब ये चीज़ें बनती हैं तो एट द एंड वो क्या कर देती हैं, माइक्रोब की किलिंग करती हैं। और किलिंग के बाद वहाँ पे क्या हो जाती है, जब वहाँ पे इतनी किलिंग मैकेनिज्म होते हैं, इतने सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, और उस इन्फ्लेमेशन में हमारी बॉडी में डिफरेंट साइटोकाइंस होते हैं, TNF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1, कीमोकाइन। ठीक है, ये सब वहाँ पे क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये किस तरह से इन्फ्लेमेशन की इंडक्शन होगी, माइक्रोब आया उसको इंजेस्ट कर लिया मैक्रोफेज ने, उसने उस मैक्रोफेज ने जब उसकी डिस्ट्रक्शन की या फेगोलाइजोम की डिस्ट्रक्शन हुई तो वहां पे उसने डिफरेंट साइटोकाइंस जो है या कीमोकाइंस उनको रिलीज किया। और उनके रिलीज होने से क्या हुआ कि जो ब्लड वेसल थी वहां पे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होती है। और आपको पता है इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, इस वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, सेल्स की वहां पे सर्कुलेशन ज्यादा हो जाती है और मल्टीपल न्यूट्रोफिल्स ज्यादा वहां पे सेल्स में आएंगे। और वो जो इस एक मैक्रोफेज जिसने या पकड़ा हुआ है, डाइजेस्ट किया हुआ है इस लाइजोम को, तो वो हेल्प करेंगे इसकी किल करने में। ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये सब क्या है, ये प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं, TNF, ह्यूमन नेक्रोसिस फैक्टर, IL-1, इंटरल्यूकिन 1। और कीमोकाइंस जो होते हैं वो कीमोटैक्टिल साइटोकाइंस होते हैं, जिनका काम जो होता है अदर सेल्स को एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेशन इंडक्शन हुई, वहां पे हमने क्या कहा था जी, कीमोकाइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। कीमोकाइंस हमने क्या कहा, क्या काम है उनका, के अट्रैक्ट करते हैं अदर सेल्स को एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो क्या करेंगे, दूसरे सेल्स जो हैं वो भी उस साइड पे क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। वो किस तरह से वहां पे आते हैं वो सेल्स, उनके ऊपर एडहेसिव मॉलिक्यूल्स होते हैं कि वो क्या करते हैं, बाइंड कर जाते हैं एडहेशन के साथ, सेलेक्टिन और इंटेग्रिन के साथ, ब्लड वेसल के साथ, और वो इजीली वहां पे रोलिंग करते हैं, और रोलिंग करके एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये चीज। अब जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो इन्फेक्शन के साइड पे जब आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रावेजेशन कहते हैं। ये है ब्लड फ्लो, ये ब्लड वेसल और उसकी एंडोथेलियम है। ठीक है, मैक्रोफेज ने क्या रिलीज किया, TNF रिलीज किया, IL-1 रिलीज किया, और साथ में क्या कीमोकाइन था। क्लियर, जब भी उसने वो रिलीज किया तो यहाँ पे क्या होगा जी, एडहेशन प्रोटीन्स, सेलेक्टिन्स, इंटेग्रिन्स वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, सब एक्टिव हो जाते हैं। तो जैसे ही जो ल्यूकोसाइट्स आते हैं तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे आके उनकी पहले वो वीक बाउंडिंग होती है, लेकिन जब जैसे वो यहाँ पे रोलिंग करते हैं तो उनकी फिर्म बाइंडिंग हो जाती है सेलेक्टिन और इंटेग्रिन्स के साथ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आके वो बाइंड कर दिया है और फिर वो ट्रांसमाइग्रेट कर देते हैं एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। क्लियर, और यही है कि इन्फ्लेमेटरी डिजीज थेरेपी इज डायरेक्टेड अगेंस्ट प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस और द एडहेसिव। हमारी बॉडी में कुछ ऐसी डिजीज भी हो जाती हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो क्या होता है कि उसमें साइटोकाइंस के लेवल्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन उनमें क्या होती है, वहां पे ज्यादा होती है। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे क्या हो गया कि अट्रैक्शन होगी सेल्स की एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो अब क्या होगा, ये पैथोजन या तो ये कि उसको इलिमिनेट कर देते हैं, या फिर ये कि अगर उनसे इलिमिनेट नहीं होता तो वो स्टिमुलेट कर देते हैं अडैप्टिव इम्यूनिटी को। ठीक है,
और उसमें क्या हो सकता है, वो साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, कोस्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं, और उसके बाद जब वो अगर कोस्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं अडैप्टिव इम्यूनिटी को एक्टिव करने के लिए। बट अगर यहाँ पे पैथोजन इलेमिनेट हो गए हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या हुआ, डैमेज है, तो वो क्या करेंगे, टिश्यू को रिपेयर कर देंगे, उसके रीमॉडलिंग कर देंगे। और ये किसका काम होता है, ये मैक्रोफेजिस का काम होता है, और साथ में ग्रोथ फैक्टर्स, फाइब्रोब्लास्ट, मेटालोप्रोटीनेजेस, ये सब क्या करते हैं, टिश्यू के रिपेयर और रीमॉडलिंग में हेल्प कर देते हैं। ठीक है क्लास, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू किसी को? नो मैम, अच्छा बच्चों, कोई इश्यू है किसी को इसमें? नो मैम, नो मैम, नो मैम, कोई इशू नहीं है, चलें नो गुड। मैम। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास क्या है कि हम देखते हैं कि रोल ऑफ एनके सेल्स इन इननेट इम्यूनिटी, के एनके सेल्स का रोल क्या होता है इननेट इम्यूनिटी में। ठीक है, एनके सेल्स क्या होते हैं, हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं, किलिंग ऑफ सेल्स इन्फेक्टेड बाय द इंट्रा सेलुलर पैथोजन वायरसेस एंड द ट्यूमर सेल्स। ठीक है, ये उन सेल्स को क्या करते हैं, ये उन सेल्स को किल करते हैं जो कोई इंट्रा जिनको जो कि वायरस इन्फेक्टेड होते हैं, और या फिर वो कैंसर सेल होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है तो उसके सरफेस जो रिसेप्टर होगा, ऑब्वियसली वो उसका पैटर्न चेंज होगा ह्यूमन सेल से। एनके सेल उसको क्या कर देगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा उस इन्फेक्टेड सेल की, क्या कर देगा, किलिंग कर देगा। ठीक है, सेकंड ये भी है कि ये मैक्रोफेजेस भी एक्टिवेशन हो सकती है इंटरफेरॉन गैमा से। इंटरफेरॉन गैमा एक साइटोकाइन है, हमने पीछे भी बात की थी कि वायरस का इन्फेक्शन जो होता है उसमें इंटरफेरॉन्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। ठीक है बच्चों, जो हमने पीछे स्लाइड में बात की थी, या तो पैथोजिन को इलिमिनेट कर देते हैं या फिर स्टिमुलेट करते हैं अडैप्टिव इम्यूनिटी को, तो ये भी यहाँ पे भी यही है कि फॉर एग्जांपल कि जो मैक्रोफेज जो है उसने जो फेगोसाइटोज माइक्रोब है उसको उसने प्रेजेंट कर दिया है किसको, लिम्फोसाइट्स को, टी सेल्स को। तो वो टी सेल्स को जो होते हैं वो फर्दर क्या करते हैं, वो एक्टिवेट करते हैं, और वो जो फर्दर टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो वो क्या करते हैं, इंटरफेरॉन गामा रिलीज करते हैं, और ये इंटरफेरॉन गामा जो होगा वो मैक्रोफेज को किल कर को हेल्प करेगा और किलिंग मैकेनिज्म में। ठीक है, कि मैक्रोफेजेस इंटरल्यूकिन 12 रिलीज करेंगे तो वो टी सेल्स को एक्टिवेट करता है, और टी सेल्स इन रिस्पॉन्स और एक्टिवेशन वो इंटरफेरॉन गामा रिलीज करेंगे तो मैक्रोफेजेस क्या कर देंगे, उस माइक्रोब की किलिंग कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली डिपेंड्स ऑन बैलेंस ऑफ सिग्नल्स कि एनके सेल का जो किलिंग मैकेनिज्म है वो डिपेंड करता है उसकी एक्टिवेटिंग और इनहिबिटरी रिसेप्टर के ऊपर। उसके ऊपर दो रिसेप्टर होते हैं, एक्टिवेशन का भी होता है और इनहिबिशन का भी होता है। एक्टिवेशन का मतलब है कि वो एनके सेल को एक्टिव कर रहा है कि वो किलिंग करे, और जब उसने किलिंग नहीं करनी तो उसकी क्या हो जाती है, इनहिबिटरी रिसेप्टर उसको इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर इनहिबिटरी रिसेप्टर्स एनके सेल इज इनहिबिटेड तो कोई किलिंग नहीं होगी, और अगर एनके सेल जो होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा तो उसमें कभी किलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो एक्टिवेटिंग रिसेप्टर्स जो होते हैं ऑब्वियसली जो मेलिग्नेंट सेल्स है ये वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन जिसके इनहिबिटेड रिसेप्टर्स जो होते हैं, जो MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल जो कि हमारी सेल सेल का या हमारी बॉडी का अपना सेल्फ MHC मॉलिक्यूल है जो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, तो फिर ये एक्टिव नहीं होते हैं। MHC बच्चों स्टैंड फॉर मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये हम देख सकते हैं कि इसका रिकॉग्निशन पैटर्न जो है ये इसके इनहिबिटरी रिसेप्टर है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक नॉर्मल जो है सेल है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, लाइगंड है एनके सेल का। अब क्या है कि बच्चों इसका इनहिबिटरी रिसेप्टर जो होगा अगर तो वो सेल्फ MHC के साथ बाइंड कर जाता है, कि मीन्स कि अपनी बॉडी की एंटीजन है, अपना ही MHC है, तो ऑब्वियसली इसके साथ जो इनहिबिटेड रिसेप्टर है वो बाइंड करेगा, तो जब वो बाइंड करेगा तो एनके सेल एक्टिवेट नहीं होगा, और जो हमारी बॉडी की अपनी एंटीजन है इसलिए वो उनकी किलिंग नहीं करता। लेकिन अगर कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल है तो क्या करता है, वो इस MHC को ही वहां से खत्म कर देता है। तो जब वो वाला MHC वहां पे नहीं होगा तो ये वायरस जो होगा वो एनके सेल बाइंड करता है इस वायरस के रिसेप्टर के साथ, तो क्या होगा, वहां पे एनके सेल को एक्टिवेट कर देगा और वो उसकी वो किलिंग कर देगा। ठीक है, तो
तो इनहिबिटरी रिसेप्टर इसमें एंगेज होते हैं बट किलिंग मैकेनिज्म में इनहिबिटरी रिसेप्टर नॉट एंगेज। ये अपोप्टोसिस करते हैं इन्फेक्टेड और ट्यूमर सेल्स की, किस तरह से करते हैं बेटा? दो चीजें हैं, एक तो ये कि इनके पास परफोरिंस और ग्रैंडसाइम्स होते हैं। परफोरिंस जो होते हैं वो पोर्स क्रिएट करते हैं वायरस या बैक्टीरिया के वॉल में, ग्रैंडसाइम्स होते हैं वो किलिंग कर देते हैं पर्दे। और इसमें फैस और फैस लाइगेंड होते हैं, बेसिकली जो एनके सेल है उसके ऊपर फैस लाइगेंड होता है और जो इन्फेक्टेड सेल है उसके ऊपर फैस होता है। तो जो ये दोनों चीजें आपस में बाइंड कर जाती हैं तो इसके बाद एनके सेल्स जो होते हैं वो परफोरिंस और ग्रैंडसाइम रिलीज करके उस इन्फेक्टेड सेल्स की अपोप्टोसिस कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये तो यहाँ तक था सेलुलर मैकेनिज्म इननेट इम्यूनिटी के। अब हमारे पास ह्यूमरल मैकेनिज्म कौन कौन से हैं? ह्यूमरल में हमने पीछे बात की, कम्प्लीमेंट आते हैं और साइटोकाइंस आते हैं। कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं, साइटोकाइंस होते हैं या फिर अदर प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। बच्चों सीआरपी स्टैंड फॉर सी रिएक्टिव प्रोटीन और एमबीएल स्टैंड फॉर मेनन बाइंडिंग लेक्टिन या मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन प्रोटीन्स। ठीक है, अब साइटोकाइंस का रोल हम ये पीछे डिस्कस कर चुके हैं इसलिए मैं यहाँ पे स्लाइड को अब डिस्कस नहीं कर रही। किस तरह से हमने देखा था कि किस तरह से वो एक्सट्रावाइजेशन में या कीमोटैक्सिस में हेल्प करते हैं सेल्स की। क्लियर, और ये भी हमने ये पीछे बात की है कि इंटरफेरॉन गैमा और जो इंटरल्यूकिन 12 है वो एक्टिवेट करते हैं एनके सेल्स को, नेचुरल किलर सेल को। ठीक है, मैक्रोफेज जो होगा वो इंटरल्यूकिन 12 रिलीज करेगा तो एनके सेल एक्टिवेट होगा, एनके सेल इंटरफेरॉन गैमा रिलीज करेगा तो मैक्रोफेज एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से साइटोकाइंस जो होते हैं और वो क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं नेट इम्यूनिटी में। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर इंटरफेरॉन्स जो होते हैं उनका मेजर बेसिक रोल होता है वो एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती है। दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते हैं, जितने हेपेटाइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनको इसीलिए कहा जाता है कि जो इंटरफेरॉन उनकी थेरेपी की जाती है कि पहले इंजेक्शंस की फॉर्म में दिया जाता था, अब हमारे पास टेबलेट्स आ गई हैं तो हम लोग इंटरफेरॉन अल्फा जो होता है वो हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स को एज ए मेडिसिन देते हैं। और इसी तरह से जो यहाँ से इंटरल्यूकिन 12 रिलीज होता है मैक्रोफेज से, वो फर्दर टी सेल्स को डिवाइड करते हैं अपने सब पॉपुलेशन के अंदर, या तो वो हेल्पर टी सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं या फिर वो साइटोटॉक्सिक टी सेल में डिवाइड होते हैं। ये तब होता है अगर मैक्रोफेज फर्दर स्टिमुलेट करता है आगे अडेप्टिव इम्यूनिटी को, ये चीज। ठीक है, कि क्या रोल है इननेट इम्यूनिटी का अडेप्टिव रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करने के लिए? टी और बी सेल्स जो होते हैं उनको टू सिग्नल्स चाहिए होते हैं एक्टिवेट करने के लिए। ये हमारे पास क्या बच्चों, एक लिम्फोसाइट है। ठीक है, एक तो ये कि एंटीजन का रिसेप्टर होता है उनके ऊपर, उसके ऊपर माइक्रोबियल एंटीजन जो होती है बाइंड कर जाती है। ठीक है, और सेकंड सिग्नल टू जो होता है वो ये होता है कि उसने क्या करना है कि इननेट इम्यूनिटी से सेकंड सिग्नल आया है जो मॉलिक्यूल आया है वो उसको रिकोगनाइज कर लेते हैं। ठीक है, इननेट इम्यूनिटी से आता है, जैसा माइक्रोफेजेस हैं वो इंटरल्यूकिन 12 रिलीज करेंगे तो वो सेकंड सिग्नल हो जाएगा, या उसके मॉलिक्यूल जो कि इंड्यूस्ड होगा या स्मॉल जो उसका फेगोसिटिक पार्टिकल है जिसको मैक्रोफेज ने लाइसिस किया था तो वो भी उसका अर्ली सिग्नल टू के तौर पे हेल्प कर सकता है। तो इस तरह से जो लिम्फोसाइट को जब ये दो सिग्नल्स मिलते हैं तो फर्दर उनकी प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है और वो फिर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं डिपेंड्स ऑन कि किस टाइप का इन्फेक्शन है, कि उन्होंने टी सेल्स बनाने हैं या उन्होंने बी सेल्स बनाने हैं। ठीक है बच्चों, ये था आज का आपका लेक्चर इम्यूनिटी के ऊपर। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू आप लोगों को, कोई भी क्वेश्चन? समझ आ गया अच्छे से सबको? यस मैम। कोई इश्यू नहीं है किसी को? नो मैम। देख लें बच्चों एक दफा, अगर कोई इश्यू है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। मैम जी बेटा पूछे। मैम मुझे इस लेक्चर में से नहीं पूछना, वो मैंने आपको असल मेल भी की थी, आपने कहा था कि मेल पे क्वेश्चन लिख दो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्वेश्चन कैसे एक्सप्लेन करूं, तो एक दो क्वेश्चन ये मैं अभी पूछ लूं। हाँ जी, वो मुझे लगा कि मे बी आपने वैसे कोई डिस्कस करनी है तो इसलिए मैंने कहा था कि आपके कोई क्वेश्चन है मुझे, आपने क्योंकि आपने ये लिखा था कि मुझे सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ डिस्कस करना है या किसी लेक्चर से रिलेटेड कुछ डिस्कस करना है। ठीक है, आप बता दो क्या प्रॉब्लम है। मैम को ना ये पूछना था कि लेक्चर वन में ना हमने पढ़ा था कि जो एक मिनट हम पहले अटेंडेंस ले लें उसके बाद एंड पे मैं आपका क्वेश्चन आराम से डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, ठीक है जी मैम, ठीक है, थैंक यू।
अच्छा बच्चों, ये यहाँ पे ये जो अब आपको मैंने यहाँ पे फिगर दिखाई है, ये बेसिकली क्या है, ये जो लास्ट पे स्लाइड है ये मैचिंग है, कॉलम है, ठीक है। और यहाँ पे इसके आंसर्स भी लिखे गए नीचे, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल रिसेप्टर्स और इननेट इम्यूनिटी सेल्स रिकॉग्नाइज स्ट्रक्चर्स दैट अ ग्रुप ऑफ पैथोजेंस हैज इन कॉमन, ठीक है, कि इननेट इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं उन स्ट्रक्चर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं क्योंकि कॉमनली शेयर्स होते हैं। एपिथेलियल सेल्स प्रोवाइड केमिकल बैरियर फॉर पैथोजन बाय पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन, ठीक है, कि वहां पे जो एंटीबायोटिक्स या फर्दर जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं वो उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। क्लियर है? तो समझ आ गई बच्चों क्या है इसके अंदर, आप लोगों ने इसको किस तरह से करना है? ये बेसिकली ठीक है, इस तरह से फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया कैन अवॉइड फैगोसाइटोसिस बाय पॉलीसेक्राइड कैप्सूल प्रोडक्शन, ठीक है, कि वो अपना पॉलीसेक्राइड का कैप्सूल भी बना सकते हैं, या ऑब्वियसली अगर हम एक चीज को किल कर रहे हैं तो वो भी तो अपना जो होगा सेफ साइड पे कुछ ना कुछ चीज साइड्स या कोई प्रोड्यूस करेगी कुछ ऐसे पार्टिकल्स, ठीक है। इंटरलीकिन 12 प्रोड्यूस बाय मैक्रोफेजेस स्टिमुलेट एनके और टी सेल, ये तो कॉमन है, हमने पढ़ा है कि इंटरलीकिन 12 जो है वो एनके सेल्स को भी एक्टिवेट करता है और टी सेल्स को भी करता है। तो बेटा ये आप लोगों के लिए इसमें इतना, सिर्फ आप लोगों को इसमें से वाइवा क्वेश्चंस भी आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं इसमें से, देन ओवरऑल ये समरी है जो पूरे लेक्चर की जो हमने अभी डिस्कस किया इतना, ठीक है, क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, और किसी को कोई प्रॉब्लम, थैंक यू आपके पढ़ाने का। बेटा मेरी तो ड्यूटी है कि मैंने तो पढ़ाना ही आप लोगों को, मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छे से समझा सकूं। आई थिंक आज मैंने स्पीड भी स्लो ही रखी है। यस मैम। अच्छा बच्चों, मैं वन बाय वन नेम रिकॉल करती हूँ, आप अटेंडेंस ले लें, ठीक है। अब्दुल रहमान, आदिल रियाज, प्रेजेंट मैम। एमन नसीर, प्रेजेंट मैम। आयजा हाशमी, प्रेजेंट मैम। आयजा रशीद, प्रेजेंट मैम। अमीरा इरफान, प्रेजेंट मैम। आमिना फारूक, प्रेजेंट। अनम असलम, प्रेजेंट मैम। अकदस इकबाल, अक्सा महमूद, प्रेजेंट मैम। अरीबा आसिम, प्रेजेंट। अरीबा जमील, अरीबा जाहिद, प्रेजेंट मैम। अरीज आसिफ, प्रेजेंट मैम। अरीज तारिक, प्रेजेंट मैम। अरीज तारिक, प्रेजेंट मैम। अरुबा नईम, प्रेजेंट मैम। अतिया अशरफ, प्रेजेंट मैम। मैम आपने मेरा नेम बोला, बेटा क्या एट द एंड मैं एक दफा ले लूं, उसके बाद आप जस्ट मुझे वन बाय वन, ठीक है, मुझे बता दिया जाएगा, क्लियर। ओन अहमद, प्रेजेंट मैम। आयशा मुगल, आयशा सुमैया, प्रेजेंट मैम। अस्का तारिक, प्रेजेंट। बीनिश इसहाक, प्रेजेंट मैम। बिस्मा आमिर, प्रेजेंट मैम। दुआ फातिमा, मैम प्रेजेंट मैम। ईमान, एमन तोकीर, प्रेजेंट मैम। ईमान अनवर, प्रेजेंट मैम। फातिमा बशीर, प्रेजेंट। गुलशन सलीम, प्रेजेंट मैम। हाफिजा लाइबा, हाफिजा लाइबा,
मैम हाफिजा लाइबा प्रेजेंट है, उनका माइक नहीं अनम्यूट हो रहा। हाफिजा रिदा प्रेजेंट मैम। हिना अब्बास मैम, हाफिजा शीरी का नाम है। हिना अब्बास, हिना अरशद प्रेजेंट मैम। हिरा महबूब प्रेजेंट मैम। हुमायूं इकबाल प्रेजेंट मैम। इकरा अहमद प्रेजेंट। इकरा रहमान इकरा रियाज प्रेजेंट। इस्मा मैम मेरा नाम नहीं लिया आपने। इकरा कासिम इस्मा खदीजा साजिद प्रेजेंट। खदीजा अकबर प्रेजेंट। खदीजा शकील खदीजा जफर प्रेजेंट मैम। खिजरा अशरफ लाइबा यूनस प्रेजेंट। महनूर आसिफ प्रेजेंट। महद महमूद महद महमूद प्रेजेंट। महम फातिमा प्रेजेंट मैम। महम सादिक प्रेजेंट मैम। महनूर तारिक प्रेजेंट। मारुख ताहिर प्रेजेंट। नाहिल काशिफ प्रेजेंट। मरियम राशिद प्रेजेंट मैम। मरियम सैफ प्रेजेंट मिस। मुबीन तनवीर प्रेजेंट मैम। मोमिना आसिफ एक्सक्यूज मी प्रेजेंट मैम। मोहम्मद हसन मैम मोमिना आसिफ प्रेजेंट मैम। मोहम्मद हसन सरवर प्रेजेंट मैम। मोहम्मद सरमद मोहम्मद सरमद मोहम्मद जैन नाबिया ताहिर नाबिया प्रेजेंट मैम। नूर फातिमा प्रेजेंट मैम। 136 मेरा रोल नंबर एंड पे। नूर फातिमा 2017 नौफ बाबर प्रेजेंट। राबिया अली प्रेजेंट। राबिया लियाकत प्रेजेंट मैम। राबिया सलमान एक्सक्यूज मी मैम। बेटा वे मैम। राबिया सलमान प्रेजेंट। रिदा जैनब प्रेजेंट। रबिया इमरान रुबिया इमरान। सदफ इलियास प्रेजेंट मैम। साइफा जफर प्रेजेंट मैम। सायरा आमिर प्रेजेंट मैम। सायरा महबूब प्रेजेंट मैम। सारा अली प्रेजेंट। सारा रियाज प्रेजेंट मैम। वेरा साजिद प्रेजेंट मैम। तहीर अहमद शहीर अहमद शहून नाज कैला इकबाल प्रेजेंट मैम। सितारा अरशद प्रेजेंट मैम। सोबिया मंसूर प्रेजेंट मैम। तोहा आमिर प्रेजेंट मैम। सुंदर शाहिद प्रेजेंट। सैयदा गनवा प्रेजेंट मैम। सैयदा जुखरुफ प्रेजेंट मैम। तहरीम फातिमा कुशना वर्दा फातिमा प्रेजेंट मैम। जाहिद हुसैन यस मैम। जैन अली यस मैम। जैन इफ्तिखार यस मैम। जैनब इमरान प्रेजेंट मैम। जैनब महबूब प्रेजेंट। जैनब सलीम प्रेजेंट मैम। जीना तनवर प्रेजेंट। तोहा अहमद प्रेजेंट मैम।
अच्छा बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले भी बात की थी कि आप लोग एक तो ईमेल्स करने में इतने फास्ट हैं कि अगर आप लोगों को किसी भी टीचर की या मेरी कोई भी बात बुरी लगती है तो आप लोग एटलीस्ट उस टीचर को तो इन्फॉर्म करें। आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जी ईमेल या HOD COD तक आप लोग जो होते हैं उसकी ईमेल पहुंचा देते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी अगर आप मैम, लोगों को कोई प्रॉब्लम, कोई इशू होती है, कोई इशू होता है, तो एटलीस्ट पहले उस टीचर को तो एक दफा उसको ईमेल करके उसको बताएं कि ये हमें इशू है या हमें ये बात बुरी लगती है। आप लोगों की पता नहीं आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग फौरन से जी फौरन से पहले से ईमेल जो होती है वो कर देते हैं। मैम जैनबुल फॉर अटेंडेंस नहीं हुई, हो जाती मैम है बेटा, नमकीन का एक भी नहीं हुई हो जाती मैम, है शॉप में बाबू बेटा वेट करें, मैं अभी ले लेती हूँ। ओके मैम। मैम आपने अभी कौन से सेक्शन की अटेंडेंस? मैं अभी ले रही हूँ, आप लोग बस 2 मिनट। मैम मेरी भी नहीं हुई, जुजाल माँ साहब ने नाम ही नहीं लिया। एक्सक्यूज मी मैम, मैम अकदस इकबाल का माइक नहीं ऑन हो रहा, तो उसकी भी प्रेजेंट कर दे। मैम आपने मेरा भी नहीं लगाया। मैम आप दो सेक्शंस की इकट्ठी ले रही हैं। मैम आपने मेरा भी नहीं लगवाया। बेटा एक मिनट मैम, सेक्शन बता दे बस कि किसके लिए है, एक्चुअली नाम नहीं है। एक ही लेने लगी हूँ अब मैं। ओके मैम। आईमा यार, आईमा आईमा यार, एमन अली, प्रेजेंट प्रीन अशरफ, आमिना प्रेजेंट मैम, आमना अमार, अनीला नासिर, अक्सा वहीद प्रेजेंट मैम, अरीज सदाकत प्रेजेंट मैम, अरफा इकबाल, अस्मा शबान, अतरूबा असलम प्रेजेंट मैम, अस्का शहजाद, बशायर अशरफ प्रेजेंट मैम, बिनिश प्रेजेंट मैम, इशा प्रेजेंट मैम, फरीहा प्रेजेंट मैम, असीहा फातिमा प्रेजेंट मैम, मैम प्रेजेंट, रसीहा जाहिद प्रेजेंट, हाफिजा समिया लग गई ये बेटा, हाफिजा समिया, हाफिजा शीरी प्रेजेंट मैम, हया खान, हिरा तबस्सुम, हुरिया मैम, हुमैरा सईद प्रेजेंट मैम, इफ्रा एजाज प्रेजेंट, इफ्जा प्रेजेंट मैम, इकरा कासिम, इकरा रफीक प्रेजेंट, इरिज आमिर प्रेजेंट, इशा सनाउल्ला प्रेजेंट मैम, इकरा कासिम प्रेजेंट, अच्छा जी, जजाल मास प्रेजेंट, हिंजा गुल प्रेजेंट, कोनैन फातिमा प्रेजेंट मैम, अलका सरफराज प्रेजेंट मैम, आमिर
Mahin Shweb. Present. Mahnoor. Present. Manahil Kamran. Mariam Gauri. Present, ma'am. Marvi Shahbaz. Present, ma'am. Mariam Shahid. Present, ma'am. Mariam Yaqub. Masuma Zahra. Present, ma'am. Mehak Jahan. Present, ma'am. Mohammad Shahbaz. Munazza. Present, ma'am. Muniba. Muqaddas Abdul Haq. Present, ma'am. Namreen. Nida Afzal. Present, ma'am. Present, ma'am. Nimra Ashraf. Ma'am, Muhammad Zain Raza ka naam nahi aaya mein. Ma'am, Namreen ki laga di aapne. जी बेटा लग गया नूर लैन मोहम्मद जैन आप सो रहे थे या आपने अभी मीटिंग ज्वाइन की है मैम आपका ना आपने नाम ही नहीं बोला मैं एम में चेक कर रहा था कब से तो बेटा वो तो लग गई आपकी अटेंडेंस कब की लग गई हुई है और तब आप सो रहे थे या बार बार नहीं नो मैं रिकनेक्ट हो रहा था अभी भी दोबारा ज्वाइन किया मैंने बेटा मैं आपकी देख लूंगी अगर तो आपने मीटिंग प्रॉपर ज्वाइन की होगी उसमें रिकॉर्डिंग में तो आपकी लग जाएगी ठीक है कुरतुलैन मलिक राजिया प्रेजेंट मैम राबिया हबीब राबिया यूसुफ प्रेजेंट राफिया नाज प्रेजेंट मैम रावन नदीम खान रवान प्रेजेंट रवान सॉरी बेटा रवान रोमेसा प्रेजेंट सादिया सादिया अदील प्रेजेंट मैम सादिया सादिया बदर प्रेजेंट सवेरा फारूक सैयदा आतिका शाफिया प्रेजेंट मैम शानजे प्रेजेंट मैम ताबिश हुसैन प्रेजेंट मैम तैयबा जावेद प्रेजेंट मैम तुबा साबिर प्रेजेंट मैम उमाइमा गिलानी रूज अरशद प्रेजेंट उमामा ग्लानी प्रेजेंट विशा ताहिर प्रेजेंट बर्दा प्रेजेंट मैम जाहरा जैनब शाहिद प्रेजेंट जैनब उल्फत प्रेजेंट मैम जारा प्रेजेंट मैम जरमीन ताहिर प्रेजेंट मैम रिश्मा कमर जुबैरा फाइज प्रेजेंट मैम मैम आईमा की अटेंडेंस लगा दे मेरी फर्स्ट पे थी मैं बोली थी आपको आवाज नहीं आई अच्छा बेटा लग जाती है मैम आप दोबारा अटेंडेंस ले रही हैं या जिनका नाम रह गया था उनकी लगा रही हैं बेटा जिनका नाम रह गया था बस उनकी लग दी है मैम फसीहा जाहिद मैंने अटेंडेंस बोली थी आई थिंक सो शायद नहीं पता चला फसीहा बेटा फसीहा की लग गई थी तब भी लग गई थी मैम निदा अफजल की अच्छा निदा की भी लगी हुई है लगी तो ये बेटा आप लोगों की अटेंडेंस ठीक है बच्चों मैम आपने असाइनमेंट के बारे में नहीं बताया हाँ जी बेटा सॉरी अब तो काफी बच्चे जो हैं वो मीटिंग लीव कर गए हैं आप लोगों के असाइनमेंट जो है वो अपलोड कर दी हुई है मैंने उसके ऊपर
LMS के ऊपर, और उसकी जो डेडलाइन है वो नेक्स्ट वीक सैटरडे की है, ठीक है, सैटरडे के 4 बजे तक, ठीक है। और उसमें मैंने लिखा हुआ है सारी डिटेल्स भी कि नेगेटिव और लेट सबमिशन पे नेगेटिव मार्किंग है और आंसर्स प्रिसाइज होने चाहिए, ठीक है, वो आपको उस पर मेन पेज पे शो हो रहा है सब कुछ, क्लियर है, ठीक है। हैंड रिटन होगी बेटा, हैंड रिटन, और उसके बाद फिर आप उसको स्कैन करके तो मुझे ईमेल करेंगे सब। ओके मैम, थैंक यू। ओके बच्चों, थैंक यू, ठीक है बच्चों, ओके फिर अल्लाह हाफिज़। आप उसको वर्ड में करके मीन्स के उससे कॉपी पेस्ट ना हो, वो ये है, ये नहीं कि आप उसे कॉपी पेस्ट आपने किया हो, क्योंकि मैं प्लेजरिज्म से चेक कर लूंगी। Okay, वो मेरे माइंड में फाइनल पेपर का आ रहा था, आप लोगों ने उसको वर्ड में करना है और वर्ड की फाइल वो आप लोगों ने सिंपल अपलोड कर देनी है। मैम हैंड रिटन भी हो सकती है, वर्ड पे भी हो सकती है, दोनों ऑप्शंस हैं। हैंड रिटन ये भी ऑप्शन दे देना ताकि जिन बच्चों को अगर थोड़ा सा इशू है आप तो कर लें, हैंड रिटन कर लें, फिर स्कैन करके मुझे ईमेल कर दें। ईमेल नहीं करनी बेटा, और बेटा एक और चीज, ईमेल किसी ने नहीं करनी, LMS पे अपलोड करनी, जो ईमेल LMS पे अपलोड करने हो, ठीक है। मैं सर्विस असाइनमेंट का था बेटा, असाइनमेंट मैंने LMS पे अपलोड कर दी है, आप लोगों की वहां से देख लें, उस पे सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मेंशन है कि आप लोगों ने कितना, आप क्या उसको कितने क्वेश्चंस हैं उसका, वो भी है, नंबरिंग भी है, लेट सबमिशन पे उस पर नेगेटिव मार्किंग है, आप लोगों ने वर्ड की फाइल में उसको LMS पे अपलोड करना है, अगर वर्ड की नहीं है तो उसको हैंड राइटिंग में करके फिर स्कैन करके LMS पे अपलोड कर दें, जो बच्चे मुझे ईमेल करेंगे उनकी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, ठीक है मैम। एक्सक्यूज मी, ओके मैम, हीरा तो बस, तो मैं लड़की उसकी अटेंडेंस लेने लगी बेटा, वो कहाँ सॉरी है मैम, वो कह रही कि मैंने हैंड भी रेज किया है तो मैम को पता नहीं चला, आप देख लें प्लीज। चलो ठीक है बेटा, मैं देख लूँ। मैम एक बात पूछनी है कि कैंपस में आप 3:30 क्लास लेंगे या 5? बेटा वो 3:30 हो, ठीक है, थैंक यू। मैम मैंने आपको लिस्ट फॉरवर्ड कर दी थी, आपको मिल गई थी? हाँ जी बेटा, वो तो मिल गई है, उसमें तो सिर्फ 4-5 स्टूडेंट्स ही हैं जो ऑन कैंपस आना चाहते हैं, बाकी ऑनलाइन ही है, कोई भी मींस के उसमें आपके 4-5 ही हैं। पर जी मैम, LMS पे असाइनमेंट सबमिशन का फोल्डर किस साइड पर, आपने तो सिर्फ डाटा लिखा हुआ है ना, सबमिट किधर करनी है बेटा? उसको LMS पे ही सबमिट करना आपने, उसी में ही असाइनमेंट में। जी क्या कंफ्यूजन है आपको? मैम मुझे पूछना था कि लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था कि ऑर्थोमिक्सोवायरस जो है वो सेगमेंटेड वायरस होता है, लेकिन लेक्चर नंबर 2 में लिखा हुआ था कि ऑर्थोमिक्सोवायरस जो है वो नॉन सेगमेंटेड है, तो फिर इसको हम क्या याद करेंगे, ये सेगमेंटेड है कि नॉन सेगमेंटेड है? बेटा ऑर्थोमिक्सो जो है वो आपने क्या कहा है, वो लेक्चर 1 में लिखा हुआ है कि सेगमेंटेड है और उसके 8 सेगमेंट्स हैं। अच्छा अच्छा बेटा, वो उसके सिमेट्री के अकॉर्डिंग है ना? मैम फिर ये सेगमेंटेड ही होगा। हाँ जी ठीक है। और मैम एक और क्वेश्चन ये पूछना था कि हमने पढ़ा था कि एक मिनट मैं ना जरा स्लाइड्स ओपन कर लूं जो आप मुझे कह आई, ताकि मैं दोनों स्लाइड्स को देख सकूं। बेटा यही है कि वो सेगमेंटेड है और उसके 8 सेगमेंट्स होते हैं, और 8-12 जो भी आप बता रहे हैं तो ये सेगमेंटेड ही है। ठीक है मैम। और मैम एक और हमने पढ़ा था कि जो यूवी माइक्रोस्कोपी होती है उसमें हम फ्लोरेसेंट डाइज यूज करते हैं, और उसके नीचे हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि इम्यूनो फ्लोरेसेंस टेक्निक,
तो उसमें लिखा था कि जो ये इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक होती है ये लाइट माइक्रोस्कोपी की टेक्निक है, तो मैम ये फिर लाइट माइक्रोस्कोपी की टेक्निक बेटर लाइट माइक्रोस्कोप इस लिहाज से है कि उसमें लाइट की टाइप यूज हो रही है यूवी, आई समझ, इसमें जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिपीट करते हैं बेटा, इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो है उसमें हम यूवी लाइट यूज करते हैं, ठीक है, फ्लोरेसेंट बेस्ड है वो, उसमें लाइट की एक टाइप यूज हो रही है, यूवी भी क्या है, एक लाइट ही है जी मैम, तो मैम ये यूवी की टाइप होगी, ऑब्वियसली यूवी बेस्ड है, ठीक है, थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन मेरा भी था जी। हाँ जी पूछे मैम, ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं, हमने रेट्रोवायरस पढ़ा है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो मैम ये डबल स्ट्रैंडेड करवा सकते हैं, क्योंकि कोलिमोविरिडी वायरस का लिखा हुआ एक जगह कि वो डबल स्ट्रैंडेड है और एक जगह लिखा है कि वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवा रहा है। बेटा डबल भी करवा लेते हैं वो, पहले उनको जस्ट यही है कि वो सिंगल में पहले चेंज होंगे और उसके बाद वो उसको कर देंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट यूज करके। मैम वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए लिखा हुआ है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में लिखा हुआ है। बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट का मतलब क्या है कि आरएनए से डीएनए बनाना जी, तो वो आरएनए जिनका आरएनए है तो उसने डीएनए बनाया, तो वो चाहे सिंगल या डबल वो दोनों बना सकते हैं। यस मैम ये तो बात समझ आ गई है, मैं कह रही हूं जो कोलिमोविरिडी वायरस है वो लिखा हुआ है कि वो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। अच्छा तो वो समझ नहीं आई मुझे बात, उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्यों यूज होगा मैम, वो लिखा हुआ है इसीलिए तो पूछ रही हूं। वो पूरी लाइन बताए ना, समटाइम्स लाइन कोई और होती है, आप उसमें सिर्फ एक वर्ड बता रहे होते हैं, अब या तो मुझे लेक्चर नंबर बताओ कहाँ पे है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कहाँ पे किस लेक्चर में। लेक्चर नंबर 2 है ये शायद। मैम असाइनमेंट की वेटेज कितनी है बेटा? आई थिंक 10% है, पता नहीं इतनी है मुझे याद नहीं है, 10 नहीं होगी से ज्यादा नहीं। मैम आपने ना लेक्चर 8 की रिकॉर्डिंग सेक्शन ए के साथ शेयर नहीं की थी, तो अगर आप वो भी शेयर कर दें। बेटा मैंने सबको शेयर कर दी, वो थोड़ा सा मैंने कहा था कि उसमें मिस वो हो गया था कि 8 को मैंने आई थिंक 7 या 9 मेंशन कर दिया था, वो आपको इसलिए लग रहा होगा, अदरवाइज वो मैंने शेयर कर दी हुई है। यस मैम 7 और 8 वो ऑपोजिट हुए थे, वो फिर अब वो मैंने पहले लास्ट टाइम भी बात की थी लेक्चर में कि वो मेरे से मिस्टेकनली वहां पे लिखा गया था। जी बच्चा आप क्या पूछ रहे हो? मैम ये लेक्चर नंबर 4 की है लाइन कि रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि ओनली सिंगल प्लांट पॉलीमोविर जी 4 स्लाइड नंबर बेटा रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस की हेडिंग में मैम, स्लाइड एक्चुअली मैंने मर्ज की हुई है तो। अच्छा जी आरएनए डीएनए इंटीग्रेट फॉल इन दिस कैटेगरी, बेटा यही तो इसमें बात है कि इसका आरएनए उसने डीएनए बनाना है जी, इसमें क्या तो मैम इसके नीचे लिखा हुआ है कि ओनली सिंगल प्लांट कोलिमोविरिडी वायरस फॉल्स इन दिस कैटेगरी, और मैम अगर आप इसके नीचे तो ये लिखा हुआ कि रेट्रोवायरस ऑफ व्हिच एचआईवी द कॉज ऑफ एड इज अ मेंबर, इसके नीचे तो ये लिखा हुआ है। यस मैम उसके नीचे था, उसके नीचे तो रेट्रोवायरस का लिखा हुआ है कि मैंने आपको तब भी बताया था कि अगर प्लांट में कोलिमोविरिडी की है में ये सिंगल प्लांट फॉल करता है इसमें रिवर्स ट्रांसक्राइब में, तो एचआईवी जो है ह्यूमन में फॉल करता है, उसके नीचे तो ये लिखा हुआ है, या तो फिर आपने कोई स्लाइड्स मर्ज की हैं तो उसमें आपको कोई हो रहा होगा, मेरे पास तो यहाँ पे यही आ रहा है जो अब आप क्योंकि स्लाइड्स ओपन करें तो मेरे पास तो उसमें यही आ रहा है। ओके मैम मैं फिर आपको स्क्रीनशॉट्स भेज देती हूँ मेल्स में ना, ताकि आपको क्लियर हो जाएगी बात।
आप नॉव जो मेरी लेक्चर की स्लाइड है आप उसको कॉपी करो जो अनमर्ज आपके पास है जी जी और आप उसमें देखो तो उसमें जो लास्ट फर्स्ट लाइन मतलब ये यही है कि उसमें ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वायरस जो है वो आरएनए से डीएनए बनाता है वो इंटीग्रेट करेगा वही सिंगल प्लांट कोलिमोविरिडाइस में कैटेगरी में फॉल करता है और एचआईवी का नीचे लिखा हुआ है कि एड्स का है बस और तो इसमें कुछ भी नहीं है नीचे जी मैम ओके मैं फिर आपको उधर कर लेती हूं हां वो फिर आप देख लें ठीक है बच्चों यस मैम थैंक यू ठीक है अच्छा बच्चों अगर आप में से जस्ट मैं डिस्कस करूंगी कि अगर दोनों सेक्शंस में से आपके एक एक दो दो स्टूडेंट्स ही आना चाहते होंगे ऑन कैंपस तो फिर मैं आप लोगों को उसके टाइमिंग बता दूंगी ठीक है ये नहीं कि एक क्लास में एक स्टूडेंट आ रहा हो एक क्लास में भी एक आ रहा हो तो फिर उसको हम देख लेंगे क्लियर जी वर्दा एक्सक्यूज मी मैम हाँ जी मैम असाइनमेंट की लास्ट डेट इस सैटरडे या नेक्स्ट सैटरडे नेक्स्ट सैटरडे है नेक्स्ट नेक्स्ट 19 को ओके थैंक यू और कुछ पूछना है किसी ने मैम एक और बात बता दें हाँ जी पूछें मैम क्विज में हाईएस्ट मार्क्स कितने थे बेटा पता नहीं मैंने अभी देखे नहीं ओके मैम ठीक है बेटा ओके मैम अल्लाह हाफिज ओके बच्चों अल्लाह हाफिज